इतनी प्यारा जो लोकेशन है ना, कितना प्यारा सीनिक व्यू आ रहे हैं इसमें। यही सात ताल है। तो यहाँ पे सारी बोट्स वगैरह लगी हुई है और नौ कुछ ताल से हम वापस आ गए। अब भीमताल रूट एक ही है। अब यहाँ से जाएंगे हम नेक्स्ट ताल, जो होगा आगे बताएंगे आपको। भीमताल में 10 मिनट हो गए अब एग्ज़िट करने के लिए। यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है काफ़ी पहले से, लेकिन व्यू देखो यार, थोड़ा ट्रैफिक खुल रहा है और कॉर्नर से निकाल नहीं पाऊँगा यार, क्योंकि मेरा बैग है दोनों, तो बैग अड़ेंगे इसीलिए कॉर्नर से निकालने का फ़ायदा है नहीं। तो अभी कुछ भीमताल से आगे आते ही जो भीमताल की मार्केट है, वहाँ पर एक सब्ज़ी की दुकान है, तो यहाँ से लेते हैं कुछ वेजिटेबल्स, क्योंकि दिन का प्रोग्राम हमारा है कुछ बनाने का। वो ले लो ये वाला। हम जा रहे हैं सात ताल एक एरा हिल यूनिवर्सिटी, बड़े खूबसूरत बना रखी है भाई यूनिवर्सिटी। कितने बड़े बड़े होटल्स बना रखे हैं। यहाँ से देखिए आप दोस्तों व्यू क्या मस्त आ रहा है यार, क्या मस्त आ रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है ये व्यू ना। सात ताल में ना जो रास्ता था, इसमें सबसे बढ़िया मुझे ये रास्ता पड़ रहा है कि ये रास्ता सही दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा रास्ता बना रखा है, नैरो नैरो। एक ताल नीचे भी है, ये है एक ताल। इतनी प्यारा जो लोकेशन है ना, कितना प्यारा सीनिक व्यू आ रहे हैं इसमें। तो सात ताल का मतलब है यहाँ है सात ताल है। तो इस ताल में बताया दो या तीन ताल मिक्स है। यही सात ताल है, ये लास्ट में जो दिख रहे हो इसी को कहते हैं सात ताल। ताल पूरा स्टार्टिंग से एंड तक दिखाते हैं आपको। ऊपर भी एक एक्टिविटी हो रही है, ये आई थिंक जिप लाइन है। पार्किंग में लगा दी अपनी बाइक और यहाँ से कर लिया एंट्री। यहाँ कैंपिंग का सीजन है और यहाँ देखो सात ताल, इसको रखते हैं इधर और आपको बताते हैं सात ताल आ रहे हैं। नीचे जो है सात ताल, इसलिए आप नीचे चलेंगे। तो पहुँच चुके हम सात ताल और ये है उसका कुछ नज़ारा, बाकी ये देख सकते हो आप व्यू अच्छा है। और बाकी इसमें ना यहाँ पर चीड़ के पेड़ ज़्यादा है और इसी वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। सात ताल में जो पानी का है वो मैं गया नहीं नीचे, अभी नीचे जाएंगे, लेकिन वो गंदा है क्योंकि इसमें स्मेल यहाँ तक आ रही है। सात ताल में जो पानी की स्मेल होती है ना, क्योंकि यहाँ बतख वगैरह भी है और आई थिंक मछली वछली भी यहाँ मार रखी होंगी, या स्मेल काफ़ी आ रही है, तो पानी तो गंदा है ये तो कन्फर्म है। बाकी नीचे चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है एक्टिविटी। तो यहाँ पे सारी बोट्स वगैरह लगी हुई है और ये वाली बोट तो है। एक्टिविटी आपको हर ताल में लगभग मिल जाएगी। आर्टिफिशियल ड्रम का जो पाथ बनाते हैं ना वो ये है। इस साल में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटी या ज़्यादा घूम पाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है हमें। तो सात ताल में
ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो अगर आप आए हो तो। तो जैसे 7 ताल के नीचे के उतरोगे ना आप, तो यहाँ कुछ शॉप्स वगैरह हैं। ये मैंने, मुझे लगता था कि मतलब कि गवर्नमेंट की होगी लीज़ में, लेकिन यहाँ किसी से पूछा मैंने, बोला नहीं ये खुद की है, जिसने खरीदी होगी ज़मीन उसने बना रखी है। तो इसमें नंबर वगैरह भी लिखे हुए हैं, टोटल 20 है, लेकिन साफ़ सफाई यहाँ बिल्कुल नहीं है। यही नहीं, इवन नीचे भी साफ़ सफाई नहीं है, तो गंदगी आपको बहुत मिलेगी। तो देखो, गंदगी का एक ही निवारण है कि जहाँ भी आप जाओ गंदगी मत लाओ। ऐसे जस्ट नीचे से ऊपर आए तो दो छोटे छोटे देश के युवा, देश के भविष्य मिले। आपका नाम क्या है? और भाई आपका? कुमार तथास्तु। तो आप घूमने के लिए आए हो कि कुछ पर्पस है आपका, कि यहीं लोकल हो आप? नहीं, टूर्नामेंट खेलने आए थे हमारा क्रिकेट का। अच्छा, कहाँ के? मतलब स्कूल की तरफ से? नहीं, एकेडमी की तरफ से। क्या एकेडमी का नाम क्या है? साईं क्रिकेट अकेडमी। और दोनों आए हैं मुरादाबाद से। तो मैच आपका हो गया अभी, चलेगा? आज पहला मैच हुआ। अच्छा, तो कब तक का इरादा यहाँ, कितने दिन और रुकने का? दो तीन दिन का है। तो फाइनल भी इसी में आ जाएगा 2-3 दिन में, कि उसमें टाइम लगेगा फाइनल में? अच्छा, मतलब 3-4 दिन के अंदर फाइनल भी हो जाएगा। तो चलो, यहाँ घूमने आए तो घूमना भी, सारे ताल भी घूमना। किसी ने लाइट जला दी, लाइट को करनी पड़ेगी बंद, ये तो बैटरी हो जाएगी डाउन। अभी टाइम हो गया लगभग 2, भाई यहाँ पानी का जुगाड़ करने के लिए। और 7 ताल पे आपको YMCA भी मिलेगा, जो बच्चे हमें देखे मिले थे ना, तो वो YMCA के प्रेमिसिस में ही स्टे कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उमेश भाई गए पानी का जुगाड़ करने के लिए। और ये भाई कहाँ से? पूरा 10 लीटर पहले यहाँ के लोगों ने बताया नहीं। हाँ, हमने बोला भाई पानी चाहिए, 1 नहीं 2 लीटर खरीद लेंगे। हाँ, लेकिन हमको 10 लीटर चाहिए, कहीं खाना बनाना है। हाँ, तो तब बताया उन्होंने कि एक टंकी यहाँ ऊपर है, तब यहाँ पर मिला ये। तो पानी ठंडा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई साहब। जैसा मैं चाह रहा था ना, वैसे ही मिल गया। तो जी, जैसे कि हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छी सी मार्केट भी है, और अब मिल गया मुझे पानी पीने का जुगाड़, यानी कि भरने का। तो अभी हम काटे वटी कुछ करेंगे, लंच बनाएंगे, खाना अपने मनपसंद की। चाहते तो हम होटल में खाते, लेकिन अपना मनपसंद का खाना खाना है, तो हमारे पास सारा सामान उपलब्ध है, तो अपना बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, पानी मज़ा आ गया ना, ठंडा है ना। हाँ, अच्छा जय हो मेरे पे। तो ये है पानी, पूरा टैंक भरा पड़ा है, गाय देखो आप। तो ये मिल गया, तो ऐसी जन सुविधाएँ अगर हर जगह पर है ना, तो सही रहता है। क्यों, जंगल के बीच में रहना एक नसीब की बात है। तो बलवंत जी, कैसा लगा आपको? गर्मी ज़्यादा लग रही है या ठंड लग रही है आपको? भाई गर्मी लग रही है मुझे तो फिलहाल। हाँ, लेकिन इतना गर्म नहीं है। हाँ, धूप में तो गर्मी लग रही है, अभी पेड़ की छाव में ना। हाँ, तो नॉर्मल रखा टेम्परेचर। बाकी भाई जुगाड़ करके पानी ले आए, पानी पी रहे। अब फिर आगे जिंदगी में कभी पेड़ लगाया तुमने कभी? आज तक कभी? मैंने भाई 1-2 बार लगाया। कितना बड़ा हो गया होगा पेड़? वो भाई पता नहीं कहाँ लगा, मुझे उसके नीचे बैठने लायक है कि नहीं है अभी तो नहीं हुआ। अब गांव में गया था शायद, तभी लगाया था मैंने गांव के, मतलब तभी। तो मैं भी कहता हूँ यार कि हर साल जब भी गांव जाए ना, 1-2 पेड़ जरूर लगाएं। भाई बहुत लगाए थे, लेकिन पता क्या होता है गांव में, केयर करने वाला नहीं होता कोई यार, दिक्कत ही है। हमारे बलवंत जी जो है ना, ये रहते हैं दिल्ली में, शायद इनकी पैदाइश भी दिल्ली है। मेरी दिल्ली की पैदाइश दिल्ली है, पहाड़ के हैं, पहाड़ नहीं छोड़ा है, ऐसी बात नहीं है। पर इनको मैं जो बोल रहा हूँ कि पेड़ लगाना चाहिए, ये जागरूकता है। तो ये भी जाते हैं लगाते हैं, और मैं भी जाता हूँ तो मैं भी लगाता हूँ, चाहे कोई भी पेड़ हो, पर एक पेड़ लगाना चाहिए। मेरे गांव में मेरे पापा ने अमरूद का पेड़ लगा था, वो काफ़ी बड़ा हो गया अमरूद। तो छाया वाले पेड़ भी हमको लगाना चाहिए। तो आज से तुम सफर खा लो कि घर गांव जाओगे तो एक पेड़ जरूर लगाऊंगा भाई, ठीक है ना। और मेरा एक मकसद है कि नीम का पेड़ जरूर लगाऊंगा भाई। नीम का कहते हैं कि छाया वाली छाया भी आती है, और उसमें ऑक्सीजन भी अच्छा था। बिल्कुल। तो ये था गाइस, ये छोटे छोटे हमारे भी अपने आपस की बातें जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, कि हम जब गांव साइड जाते हैं ना, तो वहाँ लगा, अगर यहाँ हमारी ज़मीन होती है तो यहाँ भी हम लगाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ तो ज़मीन हमारी है, तो घूमने फिरना है, तो इस वजह से बहुत अच्छा लगा। कोई हमारे 100-100 गज कोई नाम कर दो तो भाई हम पेड़ लगाएंगे 400 कसम से। तो ये तो भाई छोटी सी हल्की हल्की मजाक भी कर रहे हैं, और शायद आपको पसंद आ भी रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कॉमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा। तो 7 ताल से हम निकल रहे हैं, पानी भर ले, सब कुछ कर लिया, हमने जाना है कहीं पर खाना बनाना है, वो जगह ढूंढ रहे। तो आगे एक ताल है, तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर आराम से बैठकर खाना बनाते हैं।